लड़की जब किसी से मोहब्बत करती है तो वो अकेली नहीं होती, उसे बहुत से रिश्ते मुंसलिक होते हैं। मेरी मंगनी हो चुकी है, अब किसी और की बीवी बनने वाली हूँ और मुझे वो फर्ज भी पूरा करना है। तुम चले जाओ यहाँ से। चले जाओ, ऐसे ही चले जाओ जैसे अपने घर वालों के बुलाने पर चले गए थे। हमजा, ये क्या किया तुमने हमजा? अरे कुलसुम, कुलसुम इधर आओ, देखो हमजा ने क्या किया। ओह, क्या हुआ? ये देखो क्या हमजा, हमजा बेटा, हमजा सर प्लीज आप लोग यहीं पे रुक जाएं प्लीज। अब रोने का क्या फायदा? कहा था ना तुमसे, वो टूटकर बिखरा तो नहीं है, समेट पाएंगे हम उसे। लेकिन तुम हर बार तुमने झूठी तसल्लियां दी मुझे, और देख लिया कहां लाके पहुंचा दिया तुम्हारी जिद ने मेरे बच्चे को। मुझे क्या पता था कि वो इतनी बेवकूफों वाली हरकत करेगा। हद करती हो तुम, अभी भी गुस्सा कर रही हो उस पर। अगर वो अपनी जिद पे अड़ा था, हमने उसे समझाया, नहीं मान रहा था, तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए था उसकी जिद के आगे। पसंदीदा बहू की चॉइस कबूल करने से बेहतर है कि बेटे की जिंदगी कबूल की जाए। मेरी बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी है ये मेरा बेटा। तुम्हारी जिद के आगे अगर ये जल गया और जलकर खाक हो गया तो मैं भी खाक हो जाऊंगा। पहले तो आप ही राजी नहीं थे, हाँ तो अब
अब हो गया ना इसकी हालत देख।